एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स. आई एम पूजा. आई होप यू ऑल डूइंग वेल. सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे कैसे अपना हनी फेशियल कर सकते हैं, जो कि आपको प्यारा सा गोल्ड फेशियल जैसा ग्लो देगा. तो अगर आप भी मार्केट के फेशियल करा करा के परेशान हो गए हैं, आप अपनी पॉकेट खाली कर चुके हैं एकदम से, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा. इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आप कैसे अपने डार्क सर्कल, अपने पिगमेंटेशन, अपने डार्क स्पॉट्स, एक्नी, पिंपल्स सब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल हैं. आप घर पे बैठ के ही इसे कर सकते हैं और आपके घर के किचन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं. आज मैंने अपना हनी फेशियल किया है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ग्लो दिया है इसने. अभी मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई की, और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ग्लो आया है. अगर आपको भी सेम ऐसा ही ग्लो चाहिए और आप भी चाहते हैं कि आप पार्लर में ना जाएं, वहाँ पे इतने पैसे अपने खर्चे ना करें और आप अपनी पॉकेट खाली कर चुके हैं ऑलरेडी फेशियल से, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे और आप कैसे अब इस फेशियल को अपने घर बैठे कर सकते हैं. इस वीडियो में मैंने स्टीम लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ही स्वेटिंग है, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसके लिए मैं आपको कोई भी स्टीम लेने के लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी. स्टीम आप मे बी इस फेशियल के साथ आप स्टीम, अगर वेदर बहुत ठंडा है, आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो आप स्टीम ज़रूर ले सकते हैं. स्टीम क्या करता है, आपके स्किन के पोर्स को खोल देता है, जिससे आप जो भी अप्लाई करते हैं उसकी नरिशमेंट आपके अंदर डीपली स्किन तक पहुँचती है. तो चलिए देखते हैं कि आप कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करके अपना ये हनी फेशियल और गोल्डन ग्लो पा सकती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है गुलाब जल. गुलाब जल हमारे स्किन को एक रिफ्रेशिंग लुक देता है. हमारा सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये हनी. हनी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं, जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से और बहुत ही प्यारा सा ग्लो देते हैं. हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है बेसन. बेसन एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो देता है और हमारी स्किन को एक मैट फिनिश देता है. हम इसमें यूज़ करेंगे लेमन. लेमन में एंटी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो हमारी स्किन से दाग धब्बे रिड्यूस करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाते हैं. इसमें हम कॉफ़ी यूज़ करेंगे. कॉफ़ी हमारी डेड सेल्स को निकाल कर उसे ग्लोइंग बनाता है और हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है. हम इस फेशियल में पपाया यूज़ करेंगे. पपाया में बहुत सारे ऐसे विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को के डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं, उसे एक ब्राइट, फेयर और रिंकल फ्री बनाते हैं. इस क्लेंजर को बनाने के लिए मैं हनी में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करूँगी और अब हम इस क्लेंजर को एक कॉटन की मदद से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे. पहले इसको अच्छे से मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगाएंगे. सर्कुलर मोशन में आपको पूरे फेस पर लगाना है और नेक एरिया में भी लगाना है. ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश बनाएगा, उसे ग्लोइंग लुक देगा. आप रोज़ वाटर को थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं. इस क्लेंज़र को आप एक दो दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए और इसे आप इस क्लेंज़र को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसे थोड़ा सा मसाज करेंगे अपने हाथों से, ताकि आपके सारी गंदगी आपके फेस से निकल जाए अच्छे से. सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है. अपने नेक पे भी अच्छे से मसाज करना है. अब हम इसे कॉटन से पूरे इस क्लेंज़र को हटा देंगे और याद रहे आपको फेस को वॉश नहीं करना है, यानी आपको फेस को धोना नहीं है. स्क्रब को बनाने के लिए आपको 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी है और इसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड करना है. इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इस स्क्रब को आपको पूरे फेस में लगाकर अच्छे से मसाज करना है. सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है और बहुत फोर्स नहीं लगाना है. पूरे फेस में इसे अप्लाई करके ये आपके स्किन के सारे डेड सेल्स को निकाल देगा और आपके
ब्लैक हेड वाइट हेड्स को भी निकालने में ये आपके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसे अच्छे से आपको मसाज करना है, जहाँ जहाँ पर आपकी डेड सेल्स हैं वहाँ पे अच्छे से इसको मसाज करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इस स्क्रब को आप इसको भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए एक अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए। अब इसे अच्छे से नेक पे भी मसाज करना है, बहुत फोर्स आपको नहीं लगाना है। और अब इसे कॉटन की मदद से आपको रिमूव करना है, आपको फेस वॉश नहीं करना है। इसको पूरे इस पूरे स्क्रब को हटाने के बाद आपको थर्ड स्टेप की ओर बढ़ना है। थर्ड स्टेप के लिए मैं लूँगी इसमें पपाया। हमें बनानी है मसाज क्रीम। इसको अब अपने हाथों से मैश करना है, एकदम महीन सा। इसको मैश करने के बाद हम इसका एक्सेस वाटर निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे और ये हमारी मसाज क्रीम बनकर तैयार है। अब हम इसे अपने पूरे फेस पर लगाकर इसे अच्छे से 15 मिनट तक मसाज करना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं आपको कैसे कैसे मसाज करना है। या ये मसाज आपकी फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करेगा, आपके चिन डबल चिन की प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करेगा, आपके पफिनेस जो आँखों के नीचे आ जाती है ये उसको भी हटाएगा और आपको एक अच्छा सा प्यारा सा स्लिम फेस देगा। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे कर रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही 15 मिनट तक करना है। जितना अच्छे से आप मसाज करेंगे ये उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपके नोज़ एरिया में, या आपकी सारी फेशियल मसाज आपकी सारी नसों को काम डाउन करता है और वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं, जिससे आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। ये मसाज आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। पर अब इस आप मसाज क्रीम को एक कॉटन की मदद से रिमूव कर दीजिए और बहुत ही प्यारा सा आपको ग्लो देखने को मिलेगा। इस मास्क को बनाने के लिए आपको लेना है 2 टेबल स्पून हनी और 2 टेबल स्पून आपको बेसन लेना है। अब इसमें कुछ बूंदे डालनी है लेमन की। इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड करना है। कच्चा दूध हमारी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इस पूरे मास्क को अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। आपको पूरे फेस में नेक एरिया में पूरे अच्छे से अप्लाई करके 15 मिनट तक वेट करना है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लो देगा, उसे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स फ्री बनाएगा। अब इसे वेट करना है सूखने का। मास्क अब अच्छे से सूख चुका है, अब हम इसे ठंडे पानी से धोएंगे और धोने के बाद आपकी स्किन कुछ ऐसी लगने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो हनी फेशियल। आई होप आप सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू अगैन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।